नमस्कार दोस्तों, रेखा दास ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, फिर से मैं आप लोगों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए कुछ टिप्स शेयर करूँगी। आशा करती हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएंगे। तो वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के टिप्स, पहला टिप्स शुरू करते हैं। तो जो आज का पहला टिप्स है हमारा, वो है माइक्रोवेव क्लीन करना। तो उसके लिए हम ले लेंगे बाउल में पानी, और एक नींबू को आधा किया, और आधे का भी हमने यहाँ पे आधा यूज़ किया है। तो दो टुकड़ा ऐसे नींबू के छोटे डाल देंगे। अब हम बाउल को डालेंगे माइक्रोवेव में और इसे 4 मिनट के लिए गर्म होने देंगे। उसके बाद जो स्टीम निकलेगा हमारे माइक्रोवेव के अंदर, उसी से ही हम माइक्रोवेव को क्लीन करेंगे। इसमें हमें अब और कुछ नहीं मिलाना है, ना ही सोडा ना ही कुछ और। तो इसे हम डाल देंगे माइक्रोवेव में। तो आप देख सकते हैं माइक्रोवेव कितना गंदा हो चुका है। तो मैंने इसे जानबूझ के क्लीन नहीं किया, क्योंकि ये वीडियो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। अब हम बाउल को डाल दिया है माइक्रोवेव में, और 4 मिनट सेट कर देंगे टाइमर। 4 मिनट बाद मैंने माइक्रोवेव बंद कर दिया है, और आपको अंदर का दिखाते हैं कि किस तरीके से ये स्टीम हो चुका है, और बाहर का देखिए। अब हम इसे क्लीन करेंगे। आप कपड़े या टिश्यू पेपर किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लाइटिंग थोड़ा कम है, तो इसलिए आप लोगों को समझने में शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो। देखिए इस तरीके से हम क्लीन कर लेंगे, और जहाँ पे आपको लगे थोड़ा सा ड्राई है, हम अगर थोड़ा सा आपको ड्राई लगे, जो यहाँ पे नींबू पानी हमने गर्म किया था, इसमें हम इस तरीके से हल्का डिप करेंगे और इसी पानी से क्लीन करेंगे, और ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं बिल्कुल नेचुरल तरीके से। एक बार इस प्रोसेस को आप फॉलो करके ज़रूर देखिएगा। अब इसी तरीके से कपड़े से हम अंदर भी क्लीन कर लेंगे। तो उससे पहले हम माइक्रोवेव को बंद कर देंगे। देखिए तो ट्रे भी हमने साफ कर लिया है, उसे हम डाल देंगे माइक्रोवेव में। और मैं आपको टिशू दिखाती हूँ, जो टिशू से हमने साफ किया है। ऐसे 2-3 टिशू लगे हैं, और कपड़े से जो किया है वो आप देख ही सकते हैं कि क्या हाल है। और इसमें बिना कोई सर्फ के, हम सोडा के, इसे सिर्फ नींबू पानी से इतना क्लीन किया है। तो फ्रेंड्स, ये माइक्रोवेव क्लीन करने का टिप्स को एक बार आप फॉलो करके देखिएगा। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएंगे। तो ये टिप्स कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चॉपिंग बोर्ड को क्लीन करने के लिए हम ले लेंगे इसमें नमक, और चाहिए हमें आधा नींबू। हम इसे नींबू की मदद से इस तरीके से रगड़ेंगे, इससे हमारा जो चॉपिंग बोर्ड है बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। चारों ओर हमें इस तरीके से बस नींबू को घिसना है। इसमें और हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम दोनों तरफ चॉपिंग बोर्ड के क्लीन करेंगे। दोनों तरफ से हमने चॉपिंग बोर्ड को नींबू से रगड़ लिया है। अब हम अच्छे से इसे वॉश कर लेंगे। अब हम इसे अच्छे से पोंछ लेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये चमक रहा है, जैसे मैंने दिखाया था। बिल्कुल डल हो चुका था हमारा चॉपिंग बोर्ड, और अब बिल्कुल जैसे हम नए मार्केट से लाते हैं ठीक वैसा हो गया। तो इस टिप्स को आप एक बार फॉलो करके देखिएगा, और कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगला जो हमारा टिप्स है, जब हम सब्जी काटते हैं चॉपिंग बोर्ड बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से हिलता है। देखिए थोड़ा सा भी कुछ काटने जाते हैं तब आपको ये करना है, कोई भी
आप किचन टॉवल ले लीजिए, उसे नीचे बिछाइए इस तरीके से, और इस तरीके से आप आराम से सब्जी काट सकते हैं। चॉपिंग बोर्ड बिल्कुल भी आपका हिलेगा नहीं, आप देख सकते हैं। और टॉवल के ऊपर ये रखने से जो भी आपका प्याज का छिलका, आलू का छिलका साइड में आप गिरा सकते हैं। और जब आपका काम हो जाए चॉपिंग बोर्ड को रखने के बाद, डायरेक्ट आप इसे, जो भी कूड़ा आपका होगा इसे आप डायरेक्ट डस्टबिन में डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रेगुलर आपके काम को बहुत आसान कर देगा। तो ये टिप्स आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगला जो हमारा टिप्स है वो है सिलिकॉन के जो हमारे स्पैचुला आते हैं उसे लेके, इसे रखे ना, अगर रेगुलर हम यूज़ नहीं करते हैं तो इस तरीके से इसमें धूल मिट्टी आ जाती है, देखिए, और ये बहुत जल्दी धूल पकड़ लेते हैं। और हाथ लगाएंगे ना बिल्कुल, मतलब बहुत ही गंदा लगता है। और ये वाला तो काफ़ी पुराना हो चुके हैं इसलिए ये वाइट कलर का था, ये देख सकते हैं आप पूरा येलो हो गया। तो इसे आप कैसे घर पे बहुत इजी तरीके से क्लीन कर सकते हैं वही वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ, देखिए। डालेंगे 2 चम्मच विनीगर, वाइट विनीगर जो हम किचन में यूज़ करते हैं। डालेंगे 1 चम्मच भर के बेकिंग सोडा, अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा यानी 1/2 चम्मच हम डालेंगे डिश वॉश। अब हम सभी स्पैचुला इसके अंदर डिप कर देंगे और इस तरीके से जिसमें हम ब्रश करते हैं बटर वगैरह अंदर ना, ये पूरी तरीके से क्लीन नहीं हो पाते हैं। अब कितना भी अच्छे से सफाई करें ये अंदर बहुत ही ज़्यादा मैल रह जाते हैं, तो ये भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। टिप्स अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। सभी स्पैचुला मैं इस तरीके से इसमें डाल दूँगी। इसमें हम सभी स्पैचुला डिप करने के बाद कम से कम 1 घंटे रेस्ट के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद आप जिससे बर्तन साफ़ करते हैं, जो भी जूना आप यूज़ करते हैं, या कोई टूथब्रश ले लीजिएगा पुराना, उससे आप इसे क्लीन कर सकते हैं। लेकिन कम से कम आप इसे 1 घंटे रेस्ट के लिए छोड़ें। आप अगर फ्लैट कुछ बर्तन लेंगे तो उसमें अच्छे से डिप हो सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरीके का लिया है तो ये पूरी तरीके से डिप नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसे मैं 1/2 घंटे बाद दूसरी तरफ पलट दूंगी, तो इससे क्या होगा ये ऊपर के ओर भी अच्छे से हमारा क्लीन हो जाएगा। 1 घंटे बाद हम एक टूथब्रश ले लेंगे पुराने, इस तरीके से हम इसे अच्छे से क्लीन करेंगे। इसमें कुछ भी आपको और मिलाने की ज़रूरत नहीं है, साबुन या जो भी आप डिश वॉश यूज़ करते हैं, ये इसी से अच्छे से क्लीन हो जाएगा। देखिए, अब देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से जो पहले मैल इसमें चिपका हुआ था ना, वो बिल्कुल भी नहीं है, और बिल्कुल ये स्मूथ हो गया, जैसे नए हम मार्केट से लाते हैं ना, ठीक वैसे। इसे इस तरीके से हम क्लीन करने के बाद अच्छे से साफ पानी से 2-3 बार वॉश कर लेंगे। मैंने बस आपको दिखाने के लिए इसी पानी से थोड़ा सा धो के दिखाया। ये तो मेरा काफ़ी पुराना है, इसका कलर तो वापस नहीं आएगा, लेकिन हाँ बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, ये शाइनिंग करेगा, देखिए। तो इसी तरीके से क्लीन करने के बाद इसे हम अच्छे से साफ पानी से 2-3 बार वॉश कर लेंगे। तो ये टिप्स आपको अच्छा लगे तो नीचे लाइक कमेंट कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगला जो हमारा टिप्स है वो भी स्पैचुला को लेके, जो हमारा वुडन का स्पैचुला होती है कुछ दिन यूज़ के बाद इसका जो ग्लो है वो ख़त्म हो जाते हैं। इसे हम बिल्कुल पहले जैसा साइन देने के लिए बस एक छोटा सा टिप्स फॉलो करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए नारियल का तेल, एक हम रुई ले लेंगे, आप चाहे कोई भी कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं, टिशू पेपर ले सकते हैं, बस इस तरीके से हम इसमें रुई में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसे हम इस तरीके से अच्छे से, बस हमें हल्के हाथों से इस तरीके से इसमें लगाना है, बस
तीन चार बार इस तरीके से कर लेंगे और सभी स्पैचुला में हम इस तरीके से लगा लेंगे। अगर आपको लगे इसमें तेल कम लग रहा है तो एक दो ड्रॉप्स आप लगा सकते हैं। ठीक है, और आपको खुद ही नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से चेंज हो गया। ये देखिए, ये बाकी चार हमारा स्पैचुला है और ये दो। ऐसा नहीं है कि अभी हम ऑयल लगा रहे हैं तो इसमें चमक है, ये आपका हमेशा रहेगा। तो 15 दिन में आप एक बार इस तरीके से कर लीजिएगा, आपका स्पैचुला कभी भी पुराना नहीं लगेगा, बिल्कुल नए जैसा चमकता रहेगा। कभी भी आपको हफ्ते में 15 दिन में टाइम मिले तो इस तरीके से कर लीजिएगा। सभी स्पैचुला में मैंने तेल लगा लिया है और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये चमक रहा है। ऐसा नहीं है ये सूखने के बाद या कल इसका साइन ख़त्म हो जाएगा, ये बिल्कुल भी ऐसा ही रहेगा 15 दिन तक। तो ये टिप्स आप एक बार फॉलो करके देखिएगा, आपके पुराने स्पैचुला भी बिल्कुल नए जैसा दिखेगा। टिप्स अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा। अगला जो हमारा टिप्स है वो है मसाले को लेके। मसाले में हमारे कीड़े लग जाते हैं, कभी कभी जाले भी पड़ जाते हैं और बरसात के मौसम में तो बहुत ही जल्दी इसमें कीड़े लग जाते हैं। मसाले को आपको काफ़ी दिन तक ठीक रखने के लिए इसमें डालना है थोड़ा सा नमक। इस तरीके से नमक डाल दीजिए, अच्छे से मिक्स कर दीजिए। आप चाहे तो इसमें हींग भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा हींग डाल दीजिए और इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा और महीनों तक आपका जो मसाले हैं ये ख़राब नहीं होगा। जो आपको अच्छा लगे नमक या हींग कुछ भी आप रख सकते हैं। तो ये टिप्स आप फॉलो करके देखिएगा, आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएंगे। बस आपको ये करना है कि सभी मसाले में अगर आप नमक डालेंगे तो सब्ज़ी बनाते वक्त जब मसाले डालेंगे तो नमक आप थोड़ा सा सोच समझ के डालिएगा, क्योंकि सभी मसाले में आपके नमक होगा तो इसलिए नमक थोड़ा सा कम डालिएगा। टिप्स अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और कौन सा टिप्स आप फॉलो करना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगे वीडियो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नए वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चेहरे पर हमेशा स्माइल रखिएगा। एक हम बड़ा पतीला ले लेंगे, इसमें हम डालेंगे गरम पानी